Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. The next question is, find the 5 numbers in arithmetic progression whose sum is 12.5 and the ratio of the first to the last term is 2:3. हमें 5 नंबर लेने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिनका सम 12.5 हो एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का रेशियो 2:3 हो. सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम करेंगे ऐसे 5 नंबर से पी में, तो लेट 5 फर्स्ट 5 टर्म्स ये ऑफ ए पी आर. अब हम एज्यूम करेंगे ए माइनस 2d ए माइनस डी. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब आपको ऑड नंबर्स में मानने हो अरिथमेटिक नंब तो कैसे मानेंगे टर्म्स, और जब इवन नंबर में मानने हो तब कैसे मानेंगे. तो इसी तरह मैंने 5 नंबर मान लिए. नाउ हुज फर्स्ट टर्म कितनी है a माइनस 2d एंड यहाँ कॉमन डिफरेंस आप कितने का देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस d का है. देखिए आपने a माइनस 2d में d ऐड कराएंगे तो a माइनस d में ऐड कराएंगे d तो a एंड देन d ऐड कराएंगे तो a प्लस d सो ऑन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारा का सारा सम क्या होगा 12.5 के होगा, तो सम करिए इन टर्म को. स्टूडेंट एज्यूम करने का फायदा ये होता है कि डी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, आपको ए की वैल्यू मिल जाती है. अदरवाइज आप कोई और टर्म एज्यूम करेंगे तो वहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो कैसे मानना है, इसे पुराने वाले क्वेश्चन में हमने किया है, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो कैसे एज्यूम करना है. तो यहाँ d से d देखिए कैंसिल आउट हो गया ये सब. 5 इज इक्वल टू 12.5 और 12.5 कितना होता है 25/2. 5 से ये कैंसिल आउट होगा 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5/2. नाउ स्टूडेंट a की वैल्यू 5/2 आ गई. नाउ ऑल्सो नो दैट फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म का रेशियो क्या था 2:3. फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म ये रेशियो क्या था 2:3 के बराबर, यानी 2/3 के बराबर. तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी a माइनस 2d एंड लास्ट टर्म क्या थी a+2d इक्वल टू 2/3. नाउ फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं a की जगह 5/2 रख देता हूं, जो वैल्यू मैंने अभी ऑब्टेंड की है a+2d इक्वल टू 2/3. नाउ अब हम ऊपर की तरफ एलसीएम लेंगे तो दिस इज 5 - 4d/2 और नीचे जो होगा एलसीएम 5 + 4d/2. नाउ दिस इज 2/3. नाउ यहाँ 2 से 2 जो हो गया डिवाइड हो गया एंड अब मैं 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - 4d में कर रहा हूँ, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 5 + 4d में. नाउ अब 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 = 15 - 3 4 = 12d. सेम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 2 5 = 10 2 4 = 8d. दिस 15 - 10, 12 को राइट हैंड साइड पर ले गए, 12d + 8d. दिस इज 20d एंड -4 - 5 यहाँ पर. दिस इज +5 - 5 नहीं +5. तो d इज इक्वल टू 5/20 दैट इज 1/4. तो d की वैल्यू 1/4 आई, a की वैल्यू 5/2, d की वैल्यू 1/4. अब आपको a और d पता है तो आप क्या कर सकते हैं, वो टर्म्स निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट टर्म हम निकालते हैं, टर्म्स आर दिस फर्स्ट टर्म a माइनस 2d था, यानी 5/2 -2 × 1/4. ये 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 आया, 5/2 में से 1/2 जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 के बराबर ये आ जाएगा. नाउ उसी तरह सेकेंड टर्म क्या थी a - d, दिस इज 5/2 - d इज 1/4. यहाँ एलसीएम लेना होगा 4, दिस विल बिकम 10 - 1 9/4. नाउ द थर्ड टर्म इज a+d, थर्ड टर्म इज a, तो a इज 5/2 एंड द फोर्थ टर्म इज a+d, यानी 5/2 + 1/4.
अगेन एलसीएम लेंगे यहां पर हम, दिस विल बिकम 10 प्लस 1, दैट इज 11 बाय 4. एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज ए प्लस 2d 5 बाय 2 प्लस 2 इंटू 1 बाय 4. दिस इज 5 अपॉन 2, 1 बाय 2 ऐड कराएंगे यहां पर, दिस विल बिकम 3. सो ये हमारी सारी टर्म्स आ गई, तो मैं टर्म्स लिख देता हूं. देयरफॉर द टर्म्स आर 2, 2 के बाद आई थी 9 बाई 4, देन 5 बाई 2, 9 बाई 4, देन 5 बाई 2, देन 11 बाई 4, देन 3. इस तरह से हमने ये पांचों टर्म निकाल ली जिनका सम 12 एंड अ हाफ है, और ये एपी में है.